हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिल्स फॉर गेम्स में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि एस्टन मार्टिन वुल्कन कैसे अनलॉक करनी है। एस्टन मार्टिन वुल्कन अनलॉक करने के लिए आपको ब्लूप्रिंट्स कहां से मिलेंगे, कितने ब्लूप्रिंट्स चाहिए, ये सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक में अगर आएंगे तो आप इवेंट्स के अंदर ये डेली कार लूट में आपको डेली ये जो कार्स के ब्लूप्रिंट डेली अवेलेबल होते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्टन मार्टिन वुल्कन के ब्लूप्रिंट्स भी अवेलेबल है। तो ये ब्लूप्रिंट अर्न करने के लिए आपको बी क्लास कार से 27 सेकंड का टाइम बीट करना है। और बेसिकली बी क्लास कार जो स्टार्टिंग कार आप अनलॉक करते हैं वो पोर्श 911 जीटीएस स्कोप होती है। तो आप पोर्श 911 जीटीएस स्कोप से 27 सेकंड्स का टाइम बड़ी आसानी से बीट कर सकते हैं। फिर अभी नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे अपना जो करियर मोड है उसके अंदर से आपको कैसे ब्लूप्रिंट्स मिल सकते हैं एस्टन मार्टिन वुल्कन के। तो पहले आपको करना है कि यहाँ पर जाइए, कार्स में जाइए, यहाँ पर आपको एस्टन मार्टिन वुल्कन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 14 ब्लूप्रिंट्स है, मैं आपको बताता हूँ मैंने ऑन कैसे किए आगे। एंड यहाँ पर 45 ब्लूप्रिंट्स की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर गेट ब्लूप्रिंट्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 करियर सीजन्स बताएगी जिसके अंदर आप ब्लूप्रिंट्स अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शनल में कार्ड पैक्स, लिमिटेड टाइम शॉप और इवेंट्स जो है ये भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं करियर में अंदर कितने हैं। एस्टन मार्टिन करियर, जर्मन व्हील्स करियर एंड सुपर कार्स वन द बिगिनिंग करियर, ये तीनों करियर्स के अंदर हमें ब्लूप्रिंट्स मिल सकते हैं इसके। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मिनिमम चैप्टर 2 तक अनलॉक करना होगा। चैप्टर 2 अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला जो इवेंट मिलेगा वो है एस्टन मार्टिन। इस इवेंट के अंदर आपको टोटल कितने ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे चेक करते हैं। 2 + 3 = 5 = 8 = 11। तो आपको 11 ब्लूप्रिंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट करियर में। फिर नेक्स्ट करियर हमें बताया था जर्मन व्हील्स, इसके अंदर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे पहले भी जो ब्लूप्रिंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी अर्न कर चुका हूँ। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्लूप्रिंट्स थे। सॉरी, मुझे इसका काउंट पता नहीं यहाँ पर एग्जैक्टली कितने ब्लूप्रिंट्स थे, बट मेरे जो 14 ब्लूप्रिंट्स थे उसमें से यहाँ से काफ़ी सारे ब्लूप्रिंट्स मैंने अर्न किए हैं। तो हमारा 11 काउंट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 2, 13, यहाँ पर इस सीजन से हमें 13 अभी 2 मिले, तो टोटल 13 हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट है बिगेनिंग सुपर कार्स, तो यहाँ पर आपको 13 + 2 = 15 + 2 = 17 + 2 = 19 + 3 = 22, टोटल 22 ब्लूप्रिंट्स आपको सिर्फ ये तीन सीजन से मिलेंगे। और पहले जो 14 अर्न किए थे मैंने, तो उस तरह से अगर आप देखा जाए तो हम 35 के अबव जो मार्क क्रॉस कर लेते हैं बगैर मैंने वो जो दो सीजन्स है वो सीजन्स अनलॉक किए, हमें 35 अबव ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे। फिर अगर आगे के जो ब्लूप्रिंट्स है, आप ये जो दो करियर सीजन से ए नॉइस एंड सुपर कार 3 रिटर्न टू राइड इससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया करियर। अब इसके एक्सेप्शन में हम कहाँ से ब्लूप्रिंट्स और मिलेंगे, तो उसके लिए आपको फर्स्ट थिंग जो है मिनिमम थिंग आती है गैरेज लेवल। आपको मिनिमम गैरेज लेवल 4 पे होना चाहिए तो आपको पैक्स में से ब्लूप्रिंट मिलने के चांसेस होंगे। जो गैरेज लेवल होता है इसके अंदर जो ब्लूप्रिंट्स दिखाए होते हैं, ये ब्लूप्रिंट्स आपको आपका जो फ्री पैक है, मल्टीप्लेयर पैक है, इवेंट पैक है, सारे पैक्स के अंदर से जो भी ना आपको एस्टन मार्टिन के या मतलब जो भी ब्लूप्रिंट्स जितने भी ब्लूप्रिंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे ब्लूप्रिंट्स अपने गैरेज लेवल पे डिपेंड करते हैं। अभी मेरा गैरेज लेवल 5 है, तो इससे पहले के यहाँ से पहले के सारे ब्लूप्रिंट्स मुझे पैक्स में से मिलेंगे। और अभी ये जो 6 और 7 ये जो गैरेज लेवल इसके अंदर से ये जो ब्लूप्रिंट्स है ये मुझे नहीं मिलेंगे अपने फ्री पैक एंड अदर पैक्स के अंदर। तो पैक की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लेयर पैक, मल्टीप्लेयर पैक में आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखेंगे तो आपको पैक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग पैक होता है 5 फ्लैग 5 कप ऑन करने के बाद, 5 कप ऑन करने के बाद फर्स्ट, फिर 10 कप ऑन करने के बाद सेकेंड, एंड फिर थर्ड प्रीमियम पैक 15 कप ऑन करने के बाद। तो ये जो 3 पैक इसके अंदर से भी काफ़ी सारे चांसेस है आपको एस्टन मार्टिन वुल्कन के ब्लूप्रिंट मिलने के। मुझे प्रीमियम पैक मैंने जब अनलॉक किया था लास्ट टाइम उसके अंदर से मुझे 3 वुल्कन के ब्लूप्रिंट्स मिले थे, तो आप वहाँ से जाकर अर्न कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका जो क्लब होता है क्लब के अंदर आप माइलस्टोन चेक करेंगे तो यहाँ पे जो कार्ड पैक होते हैं ये देखिए स्टार्टिंग में 1, 2, 3 काफ़ी सारे कार्ड पैक होते हैं, यहाँ पर भी आपको ब्लूप्रिंट इन कार्ड पैक्स में मिलने के चांसेस है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये जो सीजन्स होते हैं या हर चीज़ के, आई मीन क्लब के
और मल्टीप्लेयर के, इसके अंदर सीजन जो होते हैं, इसके अंदर जो ब्लूप्रिंट्स आपको कार्स के अवेलेबल होते हैं ये स्पेसिफिक होता है। तो जिसके अंदर अभी मुझे M4 GTS के ब्लूप्रिंट मिल रहे थे, यहाँ पर आप एस्टन मार्टिन वुल्कान और कोई और कार के भी ब्लूप्रिंट्स मिल सकते हैं। ये काफी अच्छा क्लब से आप ब्लूप्रिंट अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा क्लब ज्वाइन करना हो, मैंने अभी अभी न्यू ओपन किया है, इसका क्लब कोड है #34A7, आप मेरा क्लब ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीप्लेयर जो होता है, मल्टीप्लेयर के अंदर आपको इवेंट्स जो होते हैं, अभी डब्ल्यू मोटर सीरीज का इवेंट चल रहा है, जिसके अंदर आप रिवॉर्ड्स देखेंगे तो आपको फेनर स्पोर्ट्स सुपर स्पोर्ट्स के ब्लू प्रिंट मिलेंगे। तो अभी ब्रॉन्ज लीग 1 ब्लू प्रिंट, सिल्वर लीग 3 ब्लू प्रिंट, और यहाँ पर गोल्ड लीग 4 ब्लू प्रिंट्स, और प्लैटिनम लीग 5 ब्लू प्रिंट्स, लेजेंड लीग में आपको टोटल 8 ब्लू प्रिंट्स मिलेंगे। गाइज आपके स्टार्टिंग कार्स भी हो, सपोज एवोरा हो, डॉज SRT8 हो, इन कार से आप प्लैटिनम लीग बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं प्लैटिनम लीग तक। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होगी तो आप मेरा वीडियो, मेरे जो पहले वीडियो है टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, वो वीडियो भी देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग हो जाएगा कि आपको कैसे कार एक्जैक्टली चलानी है, कहाँ कैसे चलानी है, और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में मैंने कवर किया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी ब्लू प्रिंट्स काफ़ी सारे मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है गाइस शॉप, शॉप के अंदर जो लीजेंड शॉप कहते हैं, इसे लीजेंड शॉप्स के अंदर आपको यहाँ पर जो ब्लू प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम ब्लू प्रिंट्स जो खरीद सकते हैं, इसके अंदर आपको वुल्कान के ब्लू प्रिंट्स भी काफ़ी सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो आइटम्स है, न्यू आइटम आएंगे 47 मिनट्स के अंदर, ये सारे आइटम चेंज हो जाएंगे और न्यू आइटम्स मुझे मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5-5 ब्लू प्रिंट्स आप अर्न कर सकते हो, ईच कार के लिए 5-10 जितने भी वहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो आप वुल्कान के लिए यहाँ पर क्रेडिट्स में, क्रेडिट्स यूज करके, टोकन यूज करके, या फिर ट्रेड कॉइन्स यूज करके आप ब्लू प्रिंट्स अर्न कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फीचर्ड कार्स के जो पैक आते हैं, पैक भी अवेलेबल होते हैं। डॉज वाइपर ACR का मुझे पैक अवेलेबल है, अगर ये पैक मैं खरीदता हुआ अगर मेरा लक अच्छा होगा तो मुझे यहाँ पर 15 ब्लू प्रिंट मिल जाएंगे वाइपर ACR के। तो इस तरह से वुल्कान के भी पैक्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर प्रीमियम पैक है, प्रीमियम पैक में भी ब्लू प्रिंट्स मिलने के चांसेस काफ़ी है। ये देखिए वुल्कान के 4 ब्लू प्रिंट्स यहाँ पर मुझे मिल सकते हैं इस प्रीमियम पैक से। तो आपको बस करियर ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है, मल्टीप्लेयर के अंदर पैक ज़्यादा अर्न करने की ट्राई करना है, और आपको कौन सी कार के स्पेसिफिक कार के ब्लू प्रिंट्स चाहिए होगे तो वो कार के ऊपर आपको क्लिक करके, वहाँ पे गेट ब्लू प्रिंट्स में क्लिक करने के बाद आपको कहाँ कहाँ से आप ब्लू प्रिंट्स अर्न कर सकते हो, सीजन की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।